सृष्टि को अपने ध्रुव के लिए मांगते हैं। हेलो आपका जीजू। आपका और दीदी का रिश्ता भी वर्क अंडर प्रोग्रेस है, तो जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता और आपको अगर दीदी से बात करने का मन करे तो उससे पहले आपको धानी की मदद लेनी पड़ेगी। अब तय दिन पर ही जो कार्यक्रम हमारा होना था वो तय दिन पर होगा। हमारे बेटे ध्रुव की जिंदगी में सृष्टि की जगह ले लो, शादी कर लो ध्रुव से। सामने ही नहीं तो कम से कम एक बार वीडियो कॉल पे दिखा दीजिए कि सृष्टि जी दुल्हन के लिबास में लग कैसे रही। दीदिया जी, धानी कहाँ रह गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो शादी में भागदौड़ करते करते इतना थक गई कि सर पकड़ के रोने लगी, तो हम जबरदस्ती सुला कर आए उसे। क्या जूते चुराने के टाइम पे वो सो रही है, अब हमें हमारा नेक कैसे मिलेगा? हम दिलवा देंगे। पंडित जी, शादी की रस्में शुरू की जाएं। ओम सुमुहूर्तम क्षेमम कल्याणम आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। लगता है फिर से मीटर ट्रिप हुआ है, कोई जाके एमसी भी उठाओ, कोई है क्या? इस एक लम्हे में हजारों सवाल दौड़ रहे हैं हमारे मन में।
हर सवाल और इस हर ख्याल में सिर्फ आप ही का नाम है। हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमें पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। जयमाल के लिए वर वधु खड़े हो जाइए।
कुछ रेडी कर रहे हैं हम, बस थोड़ी देर लगेगी। हाँ ठीक है। मतलब तुम्हारी फैमिली वालों को कब बताना है? अरे जैसे प्लान किया ठीक वैसे ही करेंगे, एंड टाइम पे कोई बदलाव नहीं करेंगे, समझे? हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर तुम क्यों आए? तुम्हें यह फाइल देने के लिए। जो तुम चाहती थी ना वो सब हो गया है। ये लो, विदाई के वक्त माँ पापा को ये तोहफा जरूर देके जाना। सृष्टि, बहुत किस्मत वाले हैं तुम्हारे माँ पापा, जो ने तुम्हारी जैसी बेटी मिली। जो तुमने किया अपने माँ पापा के लिए आज के जमाने में कोई बेटी नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, बेटियों को अगर ये करने का मौका मिल जाए ना तो वो जरूर करेंगी। लेकिन अरुण, हम नहीं चाहते कि ये बात अभी बाहर आए, इसलिए फाइल को ना अपने पास ही रखना। कल जब हमारी विदाई हो जाएगी ना तो पापा को सरप्राइज दे देना, हम धानी को ना सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बात अपने घर वालों से भी छुपा रही हो? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पापा को, वो हमसे ये कभी नहीं लेंगे, और अगर हमने जिद करके दे भी दिया ना तो इसे वो हमारी शादी में लगा देंगे और अपने सर पे नया कर्ज चढ़ा देंगे, और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अरुण, एक दोस्त होने के नाते जो तुमने हमारी मदद की है उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्ती निभाने के लिए थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते। हाँ चलो, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे हमारी शादी अटेंड नहीं करोगे? मुझे जरूरी काम से आजमगढ़ जाना है। हाँ लेकिन शादी के बाद तुमसे और तुम्हारे पति से जरूर मिलूंगा। चलो बाय। बाय। आ गए सृष्टि। जाके देखते हैं।
शांतिरा ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। दीदी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दीदी हमें बुला रही है? सृष्टि बेटा, ध्यान इधर उधर मत दो, यहाँ पर ध्यान रखिए। सुनिए, अरे गीता भाभी और सुरेंद्र भाई साहब ने शादी का इतना अच्छा इंतजाम किया है, अगर आप आते ना तो आप भी देखकर बहुत खुश हो जाते। हाँ सच में। सारी बातें आज ही कर लोगी, नीचे मांग भरने की रस्म शुरू हो रही है, जल्दी आओ। आई आई बहन आई। अच्छा सुनिए ना, रखते हैं फोन, एक मिनट चैन नहीं देते मुझे। दीदी अभी अभी आए। चलो हाँ, मदद 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 कीजिए। वर वधू का गठबंधन कीजिए।